क्लासिकल म्यूजिक से बिना छेड़खानी करे गाना आना इम्पोर्टेंट है ये हाँ। दिखने से बड़े नहीं बनोगे इन करंट टाइम्स एक ही स्केल है बट आई मारवा हो जा रहा है वो कैसा है ना दिस इज अंटेसी टेन थाउजेंड का ऑडियंस क्लासिकल म्यूजिक में कैसे आएगा ऐसा like, नहीं, आएगा? आएगा नहीं है अगर आप रियाज करने बैठे हो ठीक है आपने एक घंटा रियाज किया और अगर एक्सीडेंटली कोई बैठा है और एक घंटे के बाद अगर उसने बोला कि आदित्य मजा आ गया आपका रियाज सुन के वाह वाह एक घंटा बहुत मजा आया तो समझ लो कि आपने रियाज किया नहीं सिंपल आ, लिटमस टेस्ट है अच्छा। वो आदमी कंटा ला के उठ के बाहर जाना चाहिए समझने वाली ऑडियंस दो है जिन्होंने हाँ। खुद क्लासिकल म्यूजिक सीखा है और दूसरी जिन्होंने बहुत साल से क्लासिकल म्यूजिक सुना है Yes, absolutely. There is a difference between music industry and entertainment industry. Right. And uh, the line has become very blurred, mm -hmm. but people need to understand that. Hello everyone. This is Ananya, and uh, this is my third episode of Unwind with Ananya. Uh, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं क्योंकि ये एक्चुअली होते हैं स्पेशल. Uh, you will understand जब मैं उनका इंट्रोडक्शन बताऊँगी. So he is an actor. He has played.

तो एंड हाउ द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड एंड मेरा दिमाग में था कि फुल टाइम म्यूजिक करना है एक्टिंग तो मतलब वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं था और हुआ ये कि विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज आई गॉट अ कॉल की ऐसा ऐसा सो आई गॉट अ कॉल बिफोर था कुछ प्रैंक लग रहा है क्योंकि मैंने उनको पूछा भी कि यू नो कि आपको कुछ गलत फहमी तो नहीं हुई है क्योंकि अगर प्लेबैक के लिए आप मुझे पूछ रहे हो तो यू नो आई वुड भी इंटरेस्टेड बट लाइक एक्टिंग के लिए क्यों पूछोगे बट ही इज़ लाइक कि नहीं नहीं आप एक बार मिल लो एंड देन आई मेट थोड़ा बातचीत हुआ था उन्होंने थोड़ा सा एक माइल्ड ऑडिशन जैसा लिया भी था तभी बट देन या दैट हैम बैक वगैरह उसके बाद आई ऑल्सो फॉट अबाउट इट आई लाइक आई टेक इट सीरियसली एनी वेज एंड देन ऑलमोस्ट बाई अप्रिल आई रिजाइन्ड एंड आई वाज़ डूइंग फुल टाइम तो एक महीना भी नहीं हुआ था फुल टाइम मैं पूरा म्यूजिक में चल रहा था मेरा अच्छे से एंड देन सड़दली आई गोट अ कॉल कि यू नो चैतन्य तामाहनी वांस टू मीट यू ना सो आई वाज़ लाइक डिलाइटेड आल्सो अच्छा एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क कोर्ट एज अ मूवी ऑल्सो आई लव डेट बहुत ही अच्छा एंड वेरी डिफरेंट वे ऑफ फिल्म मेकिंग एंड यू नो टॉकिंग अबाउट लाइक दैट सब्जेक्ट तो जब ही कॉल आया मुझे तो हमने कि ओके ओके मैं मिलूंगा एंड देन वेन आई फाइनली मेट हिम सो नो वो एक मीटिंग होता है जब यू नो वो क्लिक हो जाता है कि इवन फॉर बोथ ऑफ अस लाइक फॉर हिम टू ट्रस्ट मी ऑल्सो बिकॉज थोड़ा सा स्टोरी पर ही uh -huh. स्टोरी ऐसा था कि आई वॉज सुपर ओवर वेट mm -hmm. लाइक अभी जैसे हूँ वैसा ही तो आई सुपर ओवरवेट फॉर डूइंग द ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड रोल फॉर शरद एंड दैट्स वाई ही ऑल्सो वॉज नॉट श्योर अबाउट कास्टिंग सो ही वॉन्ट टू मीट मी एंड आस्क मी कि यू नो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ वेरी सीरियस कमिटमेंट आपकी तरफ से भी एंड बिकॉज यू फिट दी ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ लाइक हाउ शरद वॉन्ट्स टू बी एंड आई वॉज लाइक कि You know, if you are giving me proper guidance and support, mm -hmm. to I don't mind losing those extra. <laughs> okay. <laughs> so, in, in like your mind, you were ready to be Sharad. You were Sharad already. <laughs> <laughs> I was excited for that opportunity. Haan. He was like, Ki, tu la, ka and I was like, yeah, why not? Because, specifically, because this is very much related to classical music. Mm. And, uh,

फिजिकल डिस्ट्रेस का सो हैड टू लूज ट्वेंटी कर लेते हैं क्योंकि वो ब्रेक बीस पच्चीस दिन का ही थाजीज इन ट्वेंटी

बैगेज की हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं ये ऐसे होती हैं बट बिकॉज यू डिड नॉट कम विद एनी बैगेज यू वर न्यूट्रल तो यू वर वेरी रिसेप्टिव फॉर वट एवर वॉज कमिंग अलॉन्टली बट लाइक द बेस्ट मैंटोर फॉर एन एक्टर इज लाइक दैट डिरेक्टर यू नो कि mm -hmm. उसने आई वॉज टू आस्किंग कि मैं कसा करूँ एंड यूज लाइक आई विल नॉट शो यू आई वॉन्ट यू टू लाइक यू नो फील दैट एंड वो ओरिजिनली तुं, तुं, तुम्हारे अंडर से mm -hmm. वो आना चाहिए एंड वॉट हैपन्स इज लाइक हि स्टाइल इज वेरी रियलिस्टिक एंड ही कैप्ट टेलिंग मी एवरी टाइम लाइक वन थिंग कि द कैमरा रीड्स यूर माइंड लाइक यू कैन नॉट फूल द कैमरा सो वंस यू हैव दैट ट्राई क्लोज ऑन यू इट रीड्स यूर माइंड सो एनी थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू एक्ट वो फेक लगता है एंड ही हेट्स दैट बिकॉज जनरली वॉट हैपन्स इज इफ यू आर डूइंग अ फिल्म ऑन म्यूजिक यू कास्ट एक्टर्स हु कैन सिंग बट बिकॉज दिस इज

उससे भी बहुत फर्क पड़ता है सो यू फील दैट वे यू स्टार्टिंग नहीं हूँ चैतन्य भी यही बोलते हैं कोई भी आर्टिस्ट के जर्नी में ये सारे इमोशंस आते हैं ऑल दीज की एक कन्फ्यूजन होता है देन देर इज अ टाइम यू नो ब्लाइंडली ट्रस्ट यूर मैंटर योर गुरु देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट ऑल्सो देन यू आर दैट द अदर पीयर्स अराउंड यू आर गेनिंग मोर इम्पोर्टेंस देर आर आउटसाइड फोर्सेज की आप एक स्ट्रीम में हो और दूसरे स्ट्रीम्स आर गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस तो ये सब का मतलब दीज आर नॉट न्यू इमोशंस फॉर एनी आर्टिस्ट पिक्यूलर टू क्लासिकल म्यूजिक ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वेर यू नो इसमें एक स्पिरिचुअल नहीं बोलूंगा बट इसमें एक थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल एंगल आता mm. है वेर यू नो गुरु बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही इज़ नॉट जस्ट यूर मैंटॉर बट यू नो ही इज़ लाइक अ डिफरेंट गाइडिंग फोर्स क्लासिकल म्यूज़िक में एंड यू ट्राई टू यू नो डू एवरीथिंग लाइक योर गुरु सो ही इज़ नॉट जस्ट इन्फ्लुएंसिंग यू म्यूजिकली बट यू नो इन ऑल walks of life में so, बहुत सारे thought. देखेंगे तो दे स्टार्ट यू नो कोमिंग योर हेयर लाइक योर गुरु यू स्टार्ट टॉकिंग लाइक ऐसा भी <laughs> होता है <laughs> होता है मैंने भी किया है तो एंड गुरु जी को लगे कि अरे ये क्यों करो उससे सिर्फ गाना कॉपी करो कॉपी mm -hmm. भी नहीं बट गाना आना इम्पोर्टेंट है ये ha. दिखने से बड़े नहीं बनोगे बट दैट हैपन्स बिकॉज यू आर फॉलोइंग यू नो दैट पर्सन वर्शिपिंग रदर दैट पर्सन हु इज टीचिंग ये बाकी फॉर्म्स में आई डोंट नो इतना नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे एक वो ट्रेडिशनल एलिमेंट होता है कि आप गुरु जी है यू टच इज फीट एवरी डे दैट यू लर्न फ्रॉम हिम और वो जैसा बोलेंगे वैसा को सुनना है तो ये एक अलग क्लासिकल म्यूजिक का एक आस्पेक्ट हो जाता है एंड जैसे शरद वॉज यू नो ही कैप्ट लिनिंग टू माई स्टेप्स एंड यू वॉज फॉलोइंग दैट ब्लाइंडली एंड वॉज यू नो वही ही करने का एंड आई एम नॉट लाइक दैट बिकॉज हैथ दैट शरद ट्राइड हाँ, हाँ, तो शुरू में उन्होंने किया था मना नहीं किया था बट ही वॉज कैप्टिकल अबाउट इट बट उसका स्टोरी अलग है अल्टच अपन दैट सो इसका जो मैं बात कर रहा था आ, 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 या फॉर शरद तो आई वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइक वॉट शरद वॉज आई हैड लाइक अ वेरी डिफरेंट व्यू Yeah. of like the music world and yeah. everything like i am open to trying different things ah. you know uh trying different experiences So everything. that's what even chaitanya mentioned there were uh, instances in the movie where you did not agree with something or you did not relate with certain scenes correct but still you went ahead with an open mind wahi chaitanya style hi hai ki, he was like if you don't agree though it will show

तो तृतीय पुरस्कार हो गया द्वितीय हो गया प्रथम उसका <laughs> नाम ही नहीं है ही इज़ नॉट रिकोगग्नाइज्ड तो वॉट इज़ दैट फीलिंग एंड आई पर्सनली रिलेट विद दैट फीलिंग अ लॉर्ड बिकॉज सी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप किसी चीज़ में मेहनत करोगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा बट देन वॉट इज़ दैट वॉट इज द रीज़न कि आप किसी चीज़ में मेहनत करते जाओ करते जाओ इतना डेडिकेटेड भी हो बट यू आर नॉट सींग एनी रिजल्ट नो बडी रिकोगगनाइजेज यू सो so, वो वो जो एम्टीनेस होती है वाई शरद वॉज फीलिंग लाइक दैट वो क्यों नहीं हुआ उसका थर्ड तो आ जाता कम से कम नो सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑनेस्टली बट अगर आप शरद के बारे में अगर पूछ रहे हो तो ऑफकोर्स इट इज इट्स अ स्टोरी ऑफ दैट कैरेक्टर पर से एंड शरद का जर्नी इज ऑल अबाउट बींग मीडिया ओकर लाइक ही हैज नॉट ही इज नॉट बैड ओके एंड ही इज नॉट एक्सेल्ड इन ऑल दैट थिंग्स

जो दिखाते कि सडनली कुछ हुआ एंड ही बिकेम ओवर सक्सेस एंड दिस इज फैंटसी लाइक एंड देयर माइट बी केसेस बट देन एक्सेप्शन लॉ तो जनरली लाइफ में भी ऐसा नहीं होता है सो वॉट दे हैव शोन इज बिग्गेस्ट फेल्योर जिनका यू नो पूरे बर्बाद हो गए फॉर एग्जाम्पल आशिकी या फिर एवरीथिंग वेंट देयर वी एंड दे बिकेम रॉक स्टार्स लाइक वेरी पॉपुलर बट देन देर इज ऑलमोस्ट एसेंट ऑफ द आर्टिस्ट से

जो अंडरलाइन थीम है कि आप उस बारे में इतना सोचने लग जाते हो कि वही आपके लिए बैरियर में exactly. वो उतना नहीं सोच रहे हैं, इन चीजों के बारे में जितना आप सोच रहे हो सो so, क्या ऐसा है कि वो आइडियल्स जो होते हैं आपके करेक्ट वही आपके बैरियर बन जाते हैं बिकॉज आप इतना प्योरेस्ट बन जाते हो सो आदित्य मोडक एंड ऑन म्यूजिक बिकॉज शरद का जैसे मैंने बोला वो तो एक स्टोरी है अबाउट दैट करेक्टर एंड ही स्टिक्स टू दो लाइक ही टेक्स देम वेरी सीरियसली वैन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ लाइक माई आउटलुक टूवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स आई ऑफकोर्स बिलव इन ट्रेडिशनलिज्म दैट्स वाई एम लर्निंग एम ओनली डूइंग क्लासिकल म्यूजिक वैसे hmm. देखने जाए तो पर कैसा रहता है कि देर इज अ कॉन्टेक्सट टू एवरी थिंग सो इफ समथिंग वॉज सैड लाइक फिफ्टी टू सिक्सटी ईयर्स बैक इट नीड्स टू बी टेकन अकाउंट कि अभी के कॉन्टेक्ट में उसको कैसे रिलेवेंस माना जाए इवन इफ क्लासिकल म्यूजिक आप फिफ्टी सिक्सटी ईर्स पहले के मैस्ट्रोज को सुनोगे इट विल साउंड वेरी डिफरेंट और यह खराब हुआ है या अच्छा हुआ ये mm, है ये टॉपिक ही नहीं है इट हैज इवाल्व्ड लाइक आप सिक्सटी ईयर्स बैक बॉलीवुड के गाने सुनोगे तो वो ऑलमोस्ट क्लासिकल बेस्ड बंदिशे थे और गाने right. थे mm, रहे? Based, हाँ. हाँ तो बट अभी नहीं हुआ है बिकॉज सडनली पॉप कल्चर आया एंड mm. देन ग्लोबलाइजेशन के वजह से वी आर एक्सपोज टू दैट वेस्टर्न म्यूजिक मोर एंड मोर नाउ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड तो बॉलीवुड के लॉट ऑफ द म्यूजिक इन बॉलीवुड इज एक्सपोज टू दैट वेस्टर्न म्यूजिक एंड वहाँ से ही आ रहा है पूरा द ट्रेडिशनल म्यूजिको इवोल्ड बिकॉज नाउ इट हैज कंपीट विद दी अदर मोर एस्थेटिकल फॉर्म्स लाइक एज कंपेयर टू क्लासिकल बिकॉज क्लासिसिजम ज्यादा होता है उसमें तो इट इज़ नॉट फॉर द मासिस इट इज मोर फॉर दैट क्लास जिसको यू नो वो सुनना है बट नाउ यू टू मेक दैट ऑल्सो एंटरटेनेबल्ड ऑफ सो द स्ट्रगल ऑफ क्लासिकल म्यूजिशियवेंट बट क्लासिकल म्यूजिक से बिना छेड़खानी करें तो आपको सो देर विलो तो दिस इज मोर लाइक एन इंडिविजुअल चॉइस मैं बोलूंगा कि कैसा है की मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे कितना प्योरिस्ट रह के रेलिवेंट बनना है अगर मुझे पूरा रिलेवेंट बनना है एट द कॉस्ट ऑफ नॉट बींग प्युरिस्ट इट इज़ माई ओन चॉइस एंड द प्रोज और कॉन्स दोनों में है फॉर फॉर मी कैसे है कि uh, मैं इतना प्योरिस्ट होने के कारण लाइक नॉट नेसेसरीली आई कैन बिकम एज फेमस एज देम हाइपोथेटिकली आई एम जस्ट सही बट आई एम मोर हैप्पी एंड सैटिस्फाइड इन बींग दैट काइंड ऑफ अ प्योरेस्ट Hmm. क्योंकि मुझे उसमें मजा आ रहा है कि जो ट्रेडिशनल बातें बातें कही गई है फ्रॉम दो ओल्ड मैस्ट्रोस एंड आई एम स्टिकिंग टू दैट दो दो म्यूजिक में क्लासिकल म्यूजिक में दो सेक्शन करेंगे वन इज क्लासिसिस्ट एंड वन इज रोमेंटिसिस्ट सो उस क्लासिसिज्म को आपको एस्थेटिकल बनाना है ताकि जिनको राग वो बंदिश किसी ने कुछ hmm. Hmm. सुना नहीं है या समझ में नहीं आता उनको भी वो पसंद आना जरूरी है hmm. Hmm. सी आप गाना जब भी गा रहे हो तो यूर एनी वेज यूर टॉकिंग अबाउट द लिरिक्स एंड उसकी जो धुन है दैट इज़ अ मीडियम टू कन्वे दोज लिरिक्स सो ऑडियंस वो शब्द सुनते हैं वैन इट कम्स टू क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पर थोड़ा परसेप्शन चेंज हो जाता है अफकोर्स यहाँ पर भी वर्ड्स है बट यहाँ पर आप वो लिरिक्स पहुँचाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं जनरली एक लाइट म्यूजिशियन क्या अनाउंस करेगा कि मैं ये ये गीत आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ या आई विल सिंग दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इन यू इट मे बी बेस्ज ऑन दिस राग और नॉट ठीक है यहाँ पर वैन आई एम सिटिंग फॉर माई क्लासिकल रिसाइटल वॉट आई अनाउंस इज आई एम परफॉर्मिंग राग यम राग भैरव ठीक है तो आई एम नॉट टैट लिर एनी वेज दैट इज वाई डिस रख रहा हूँ नो वॉट इज वेरी 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 फ्यू पीपल इन फ्रंट ऑफ दिल अंडरस्टैंड ऑल दिज थिंग्स करेक्ट किस कम लोग क्यों समझते हैं नहीं देट्स अ गुड क्वेश्चन नहीं समझते बिकॉज दिस इज समिंग अंडरस्टैंड ओनली और यू कीप लिसनिंग टू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सो वो लर्नेड ऑडियंस जिसको कानसेन बोलते हैं mm -hmm. ऐसे भी लोग हैं जो सीखे नहीं है mm -hmm. पर उनके सामने आप क्लासिकल भी गलत गाओगे तो समझ जाएंगे बिकॉज वैन यू लिसन टू समथिंग फॉर मेनी 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 ईयर्स उसके संस्कार हो जाते हैं ना आप पे yeah. तो आपने रम, यमन राग इतनी बार सुना है इतने लोगों का सुना है इतने mm -hmm. सालों तक mm -hmm. तो आप अगर कोई आके यमन बोल के कुछ गलत गा दिया, yeah, तो उनको समझ में आता है कि हाँ, मुझे एक चीज़ याद आ रही है मैं में तो मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स मुंबई में आके अटेंड किए एंड आई लव आई स्पेशली लव कि जिस तरह से वो अप्रिशिएट करते हैं दिल्ली में ऐसा नहीं है लाइक पीपल अंडरस्टैंड की वाट्स गोइंग ऑन जो आप बता रहे हैं लर्निड ऑडियंस है एंड लास्ट वीक आई अटेंडेड ना बॉलीवुड कॉन्सर्ट मत लाइक यहाँ का पहला बॉलीवुड लाइक प्रॉपर मसाला बॉलीवुड जो होता है ना किशोर कुमार और ये सब के गाने नाइन्टीज़ के एंड आई हैव नेवर सीन एनी थिंग लाइक देट बिफोर मतलब प्रॉपर ऑर्केस्ट्रा एवरी थिंग इज लाइक द ऑरिजिनल म्यूजिक इज़ रिक्रिएटेड तो सब लोग डांस कर रहे हैं बहुत फैन फॉलोइंग है जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनकी तो वाइल देट वॉज हैपनिंग लाइक एक आर्टिस्ट की एंट्री हो रही थी बैक से तो वो आर्टिस्ट चलते हुए आ रहा है आ रहा है और उसके पूरे रास्ते में पीपल आर डांसिंग अराउंड हिम एंड वो कौन है मैं नहीं जानती थी उनको बट अपेरेंटली ही हैड अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग तो आई वॉज आई वॉज मेसमराइज कि यार इतना ज़्यादा इज दिस द पर्पज ऑफ दिस इज इज़ वाई यू प्रैक्टिस सो मच एंड वर्क सो हार्ड कि आपको एक दिन ये देखने को मिले कि लोग आपके लिए इतने पागल हो रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड टू इंटरवल मैंने एक आंटी से पूछा लाइक like, मेरे फ्रेंड की मॉम थी आई आस्टर की कैसा लग रहा है आपको तो शी सेट कि अरे मैं तो हर बार आती हूँ ये तो ऐसा ही होता है तो लाइक ओके सो अब दिस आंसर यू विल नॉट हियर फ्रॉम अ क्लासिकल को अगर आप उनसे पचास बार राग यमन सुनोगे तो पचासों बार वो अलग अलग होगा अब एक गाना है किशोर कुमार का तो वो आप हर बार सेम ही तरीके से गाओगे सो दैट्स वट यू सेट कि वो राग यमन को प्रेजेंट करने का तरीका जो अलग अलग होता है तो देन आई गॉट माई आंसर कि अच्छा ये डिफरेंस है क्लासिकल में और बॉलीवुड में करेक्ट

बट क्या होता है आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो जैसे मैंने बोला राइट right? बंदिश जो हम परफॉर्म करते हैं द लिरिक्स इज लाइक चार लाइंस ठीक है एंड वी आर परफॉर्मिंग राग यमन इन फ्रंट ऑफ यू तो वो जैसे राग अनफोल्ड होगा <laughs> वैसे होता जाएगा सो देर इज नथिंग दैट यू कैन रिहर्स एट होम As to any other form of music. Hmm. तो बाकी फॉर्म्स में कैसा है आप एक बार आपने गाना रिहर्स कर दिया hmm. और वेरिएबल्स हाँ. of... yes. हाँ, भी कम है हाँ. आपका उस दिन का हेल्थ और आवाज कैसा है ठीक है दैट इज वन बिकॉज क्या है कि उस दिन आपका हेल्थ के हिसाब से और आवाज के हिसाब से आपका परफॉर्मेंस अनफोल्ड होता है सेकंड थिंग उस दिन आपके अकम्पनी कैसे हैं? नहीं है right? hmm. अगर है, तो मुझे पता है भी उनको भी है। पता है कि यही बजाने हाँ। वाला है मैं यही गाने वाला हूँ हाँ। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कितनी बार मेरे साथ हुआ है और मैंने सुना भी है तो ग्रीन रूम में जो गाना होता है वैसा स्टेज पे नहीं होता है समटाइम्स इट इज नॉट एज ग्रेट और बेटर ऑडियंस कैसा है क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑडियंस मैटर्स अ लॉट हाउ एग्जाम्पल आई एम प्रेजेंटिंग राग यमन फॉर एग्जाम्पल ठीक है वेरी कॉमन राग सो मेरे सामने वन थाउजेंड का बड़ा ऑडियंस है ठीक है एक स्टेडियम में मैं गा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एंड इट्स अ वेरी जेनरिक काइंड ऑफ एन ऑडियंस जो लर्नेड क्लासिकल म्यूजिशियंस का ये नहीं है तो द राग यमन दैट आई वी प्रेजेंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सर्ट वो अलग होगा

कॉन्सर्ट है जहाँ पे फिफ्टी सिक्सटी पीपल है बट ऑल आर लर्नड पीपल तो अगर मैं यमन गा रहा हूँ तो दैट यमन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यमन तो इतना ये एक और बड़ा वेरिएबल आ जाता है तो फिर और आपके सामने कोई बहुत बड़े बुजुर्ग या बड़े आर्टिस्ट आके बैठे हैं क्या mm -hmm. तो उसका एक आ, नर्वसनेस उसका हो सकता है मतलब हाँ। किसी आर्टिस्ट को सो ऑल दीज इतने सारे वेरिएबल हो जाते हैं दैट अफेक्ट योर क्लासिकल म्यूजिक रिसाइटल

तो इतना वो एफर्ट नहीं लगाते उसमें इन्वेस्ट नहीं होते एक रहता है जो रहते हैं जो ये सुनने के लिए आ रहे हैं कि अरे आज ये क्या गाएंगे हमें हुँ. सुनना है लाइक like, आज क्या सोच दिखाएंगे कि इनका ख्याल इज लाइक सोच लॉट सोच सो आज ये यमन राग हो या मारवा हो इस हुँ. पे आज ये क्या सोच लेके आएंगे एंड देर विल बी वन ऑडियंस हु बट यू नो दे आर कमिंग फॉर दैट एक्सपीरियंस कि mm -hmm -hmm. शांति से ये म्यूजिक एंजॉय करें बट वो भी ऑडियंस दोनों को भी मिला देते तो हैं तो भी तो बहुत कम ऑडियंस आती है ना क्लासिकल कॉन्सर्ट कर बिकॉज सी नाउ यू आर टेकिंग मी बैक टू दी ओरिजिन ऑलमोस्ट ओरिजिन क्लासिकल म्यूजिक सो लाइक मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा हाँ. इसको बट मैं जब ये रीड कर रहा था इफ़ यू गो बैक लाइक पुराने पुराने uh, टेक्स्ट में अगर जाओगे इफ़ यू गो बैक टू संगीत रत्नाकर विच इज़ सपोज टू बी एन ओल्ड वेरी ऑथेंटिक काइंड ऑफ बुक टॉक्स अबाउट ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक इन डेप्थ उसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिकली बताया है कि ये जो हम क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक बोल रहे हैं इसका hmm. नाम एक्चुअली मार्गीय संगीत संगीत वो टॉक्स अबाउट इन ऑफ माईसोर डायलॉग्स बेसिकली मार्गीय संगीत वॉज क्रिएटेड फॉर इंटरनलाइजेशन जो आत्मरंजन के लिए है एंड hmm. देशी संगीत इज फॉर मनोरंजन ठीक है तो देशी संगीत में आपका semi -classical वो count कर रहे हैं आप देशी संगीत okay. Haan, because this is संगीत because, hmm. क्योंकि इसमें जो हो रहा है बाकी किसी में नहीं हो रहा है नाउ इन टाइम्स वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन पीपल यूजिंग अ म्यूजिक विच वॉज ने क्रिएटेड फॉर एंटरटेनमेंट सो देर उल बी अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल सिक्सटी सेवेंटी ईयर्स बैक द प्राइमरी एम ऑफ अ क्लासिकल म्यूजिक रिसर्टल वॉज नॉट एंटरटेनमेंट ठीक है तभी लोग भी ज़्यादा वही सुनते थे वो कल्चर ही अलग था अभी एंटरटेनमेंट के लिए इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं सो क्लासिकल म्यूजिक

कि मैं लाइट ही गाना है मुझे बट क्लासिकल की जो बेसिक ये बड़ा, ये है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है <laughs> है <laughs> मतलब पीपल आर सो सो आपको कैसा यू द बेसिक्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इज जैसे मैंने बोला तो आपको अगर गजल गाना है या बॉलीवुड म्यूजिक भी गाना है आ, कैसा है अगर आप सीखे हुए हो हुँ. तो यमन के ऊपर जो गाना है दो मिनट का गाना आप दो मिनट गाते हो बट अगर आप यमन सीखे हो इन द राइट वे तो आप दो मिनट का गाना दस मिनट भी गा सकते हो राइट एंड दूसरा है ख्याल म्यूजिक

Uh, चलन जी जिसे हम कहते हैं hmm. कि बिकॉज राग इज नॉट जस्ट अ स्केल हाँ एटलीस्ट वेन यू टॉक अबाउट नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इट्स नॉट स्केल उसका चलन होता है hmm. क्योंकि एक ही स्केल के बहुत सारे राग होते हैं बट दे साउंड वेरी डिफरेंट राइट तो hmm. वो चलन के हिसाब से है तो वो चलन बेसिकली सीख लिया कि भूप राग है तो ऐसे है अगर देशकार है ऐसे है मारवा पुरिया सोहनी एक ही स्केल है बट hmm. अलग अलग चलते हैं <laughs> रे ग म ध मे धनी ध सुस्त नि रे ग धनी द म ग रे सा hmm. ये एक ही स्केल है बट आई एम एन्फोसाइजिंग मोर ऑन द ध एंड रे तो hmm. वो मारवा हो जा रहा है धनी रे नि धनी रे ग म ध रे द म रे धनी ध रे सा hmm. तो ये मारवा हो मारवा रहा है अभी है। सेम स्केल है धनी रे गम गम गा, द गम गी गा, रे नी धनी इसमें ज्यादा ये का है, है।, है तो ये पुरिया हो रहा है अच्छा। और इसका जो एम्बियंस क्रिएट होगा वो मारवा से बहुत अलग होगा इवन दो आई एम यूजिंग द सेम स्केल अगर यही सोनी है यही स्केल है बट सा गम धनी सा धनी द म रेना yeah. तो एक तो ये उत्तरांग प्रधान भी हो गया hmm. और ये पूरी और तो मारवा जैसा साउंड भी नहीं है। करता है करेक्ट hmm. तो आप अगर फंडामेंटल देखोगे तो सेल स्केल तो सेम ही है मतलब hmm. जो उसका हाँ नोट्स तो वही है बट इट इज क्रिएटिंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एम्बियंस ऑल द थ्री राग इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना अगर आपको बॉलीवुड गाना है तो आपको क्लासिकल सीखो hmm. कि ये राग हो गया बट आपको ख्याल म्यूजिक सीखने की ज़रूरत नहीं है कि hmm. बंदिश कैसे गाते हैं इसमें आलाप कैसे करना, इसमें करना है इसमें इम्प्रोवाइजेशन कैसे करना है सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब yeah. <laughs> मैं ख्याल म्यूजिक मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है बट आई फील लाइक कि मुझे सीखना ही पड़ेगा अगर मुझे गाना अच्छा करना है तो नो नॉट नेसेसरली ख्याल म्यूजिक की एक म्यूजिकटली डिफरेंट एरिना है राइट right. उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अलग है जैसे मैंने बताया तो और वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स लगते हैं वो यहाँ पे दे आर नॉट एप्लीकेबल ओनली तो आपको बाकी म्यूजिक आने के लिए ख्याल म्यूजिक सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैविंग सेट दैट कि आपको क्लासिकल म्यूजिक सीखना जरूरी है टू दी एक्सटेंट कि आप यमन राग क्या होता है सीख लो अभी सा रे ग रे मा गे रे नी रे द सा रे मा ग पा प गरे नी रे द सा नाउ इफ यू सी कि इसमें लीनियर कुछ भी नहीं है बट आप स्केल बताने जाओगे तो नी रे गम धनी सा ये स्केल है बट इसमें यमन अगर राग में गाओ तो लीनियर कुछ भी नहीं हो रहा है यह पता होना चाहिए कि रे रे नो तो ये यमन का फ्लो जो है वो आपको क्लासिकल म्यूजिक सीख के पता चलेगा क्योंकि देखो ज्ञान आपको लेना है बट अल्टीमेटली आपको प्रोसेस करके उसका आपके आर्ट फॉर्म में उसका रेलेवेंस कैसे यूज तो करना है दैट इज अगेन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलीवुड सॉन्ग्स गाते हैं मैं गाता नहीं हूँ मैं मतलब घर पे सब गाता हूँ आई लिसन टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक अगर आप मेरे दोस्तों को पूछोगे तो सिंगर इन बॉलीवुड

आई लाइक डीन मार्टिन सो ऑल दिस ओल्ड रॉक आई लिसन टू आई लिसन टू द मॉडर्न नाइनटीज का पॉफ विच इज ब्रैन एडम्स हेनरी के एंड ऑल दैट तो मैं सब सुनता हूँ मेटल नहीं सुनता हूँ बीकम्स टू मच नॉइज फॉर मी सो दिस इज़ मोर लाइक अ स्ट्रेस बस्टर एंड आई लाइक टू लिसन टू दैट अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंड ऑल्सो बट आई एम क्लियर कि मुझे मतलब मजा आ रहा है सुनने में शायद मैं गा भी लूँ घर पर बट प्रोफेशनली आई एम नॉट गोइंग टू seeing that Achha, professionally you तो you mentioned you left your job 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 in 2018. Hmm. तो तो गए, <laughs> so what happened was uh, after the movie also uh, थोड़ा सा वो भी था कि मूवी के बाद इट टूक समाइम फॉर मी टू कम आउट ऑफ दैट तो अच्छा मतलब मूवी का आपके ऊपर इंपैक्ट ऐसा पड़ा हां कि आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एन एक्टर दैट इज आल्सो नॉट शरद स्पेसिफिकली बट आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एन एक्टर लाइक व्हाट इट थोड़ा और बताइए <बदागी> इसके बारे में <laughs> नो <laughs> <No, laughs> मतलब आई वाज लाइक ट्राइंग टू लर्न मोर स्टफ अबाउट इट आई वाज कांस्टेंटली वाचिंग लाइक एक्टर्स के लाइक like कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए एंड uh, हुआ ये and then suddenly I realized कि एंड देन सडनली आई रियलाइज कि यू नो कि

डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दोनों Chaitanya को देना ने आपको दिया। किया एंड प्रोड्यूसर आल्सो विवेक आल्सो बिकॉज ही हैड टू ट्रस्ट लाइक ही वाज इन्वेस्टिंग इन दिस एंटायर थिंग एंड ही वाज अलाउिंग चैतन्य एंड मी दैट टाइम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक आई सेड ना मुझे वो बनना पड़ता है देन आई कैन डू वेरी वेल बट आप अगर ऐसे बोलोगे कि अभी ये सीन करके दिखाओ ah. और रोना है आपको और वो तो लाइक आई एम वेरी बैड एट इट सो लाइक एक्टिंग एक्टिंग नहीं कर सकता मैं

of course my like where people who are closely working with me know but uh, unless i'm telling them or uh, this may celebrity nahin hu, nahin hu. Uh -huh. <laughs> Ki, like everybody knows about me but yeah and i refrain from uh, telling everybody that also mm -hmm. because when i go to my office then i'm completely right. that almost 100% a corporate person

क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस टाइम वाइल वॉचिंग दैट गर्ल सिंग ऑन इंडियन आइडल मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ अलग चल रहा था एज कम्पेयर टू वर्ड शरद के दिमाग में शरद के दिमाग में नहीं तो शरद वॉज अगेन लाइक अबाउट कैरेक्टर कि वो कन्फ्यूज हो रहा है क्योंकि उसके गुरु जी ने यह सब बोला है एंड hmm. hmm, hmm, hmm. uh, hmm. hmm. yeah. तो ही इज फॉलोइंग इट ब्लाइंडलीर इज वर्शिपिंग माई एंड इज ओनली स्टिकिंग टू वर्ड शी है like Hmm. Uh, उसका जो पूरा है all throughout this journey, कि अरे इन्होंने तो बोला है कि ये ट्रू म्यूजिक है hmm. और हाँ? ये करने से आपका भला होगा हाँ? और 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 बाहर भला तो नहीं नहीं हो रहा है हाँ, जी भी हाँ. नहीं है भी खुश uh, या करियर वाइज भी बहुत hmm. कुछ हो रहा है ऐसा नहीं हाँ, है एंड एट द सेम टाइम देर आर अदर what गेनिंग a successful artist what is a great artist and what is a failure artist uh, no that's a loaded question actually because why i'll say that is like how do you define being successful as an artist for someone it can be like the number of concerts i'm doing hmm. uh, every month can or be the a money criteria. Earning. secondly yes i'm doing only like a very selected but i'm like getting a very hefty fee or like nice fee hmm. that i'm getting paid for that concert this is another success for that thirdly. you 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 know 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 for I I know some of my friends who are you know, relatively famous but Haan. rather than that they enjoy you know, like ट हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम कि मैं एक चार कॉन्सेट कम कर लूंगा hmm. पर मैं वही चॉइस के कर लूंगा बट मुझे उसी में मज़ा आ रहा है चार पैसा कम मिलेगा चलेगा बट मुझे मजा आ रहा है और घर पे मैं बैठ रहा हूँ मुझे टाइम मिल रहा है आई कैन फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स आई नो समीपल हु आर नॉट फेमस एट ऑल बट दे आर लाइक वेरी वेरी गुड सिंगर्स तो येस बिकॉज दे आर सक्सेसफुल बिकॉज दे नेवर इंटेंडेड टू डू ऑल थिंग्स अनलेस यू हैव दैट क्लैरिटी नहीं तो फिर वो कन्फ्यूजन है कि मुझे अगर क्लैरिटी है कि मुझे अच्छा गाना इज माई फोकस hmm. किसी के लिए सिर्फ कितना मैं अच्छा गा रहा हूँ देट कैन बीसेस बट ऑडियंस तो सबको चाहिए ना सबको चाहिए ना बट कैसा है कि वही है ना जैसे आप मुझे बोलोगे कि मैं बहुत आपको एक टेन थाउजेंड का ऑडियंस देता हूँ और आपको hmm. ये बॉलीवुड सॉन्ग गाना है hmm.

करेक्ट तो देर आर समर्गना क्या है क्लासिकल म्यूजिक कैन नेवर कम्पीट विद म्यूजिक फॉर्म्स बिकॉज एंड you bring but me then back to that important question line be I tell you entertaining valley or classical valley correct so let like, like you talked about Indian idol and all hmm. right hmm. Jafir other music reality shows ho, jo bhi ho or like that Bollywood concert that you are talking ha. about this brings us to a very important point here ki there is a difference between music industry and entertainment industry right and pe uh, the line has become very blur mm -hmm. but people need to understand that. टेलीवि so शो hmm. अगर इफ़ इट इज म्यूजिक के ऊपर है इट इज नॉट म्यूजिक इंडस्ट्री इट इज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो उनका गोल म्यूजिक आपके सामने रखना नहीं है वेन यू आर वॉचिंग म्यूजिक शो बड़ी बात बोल दिया <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> yeah. म्यूजिक नहीं है <laughs> नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ म्यूजिक <laughs> है ऑफकोर्स है बट देर प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू एंटरटेन यू आपको तो आप म्यूजिक देख रहे हो और कुछ अलग लव स्टोरी चल रहे हो सडनली आपको बंदी सुनाऊंगा इट डो दे आर दे आर फॉर एंटरटेनमेंट और आपको वो एंटरटेनमेंट देना उनका काम है एंड दैट इज़ हाउ द एंटायर यू नो दैट आर्ट फॉर्म जो आपके mm -hmm. सामने रखा है हाँ, वो माई हाँ. क्वेश्चन वो आर्ट फॉर्म एंटरटेनमेंट आपको कैसे किया जाए वो तरीके से उन्होंने रखा है वो म्यूजिक रियलिटी शो में म्यूजिक नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ म्यूजिक इज़ देयर ऑफ कोर्स अच्छे अच्छे गाने This वाले भी हैं है, मैंने सुना भी है लाइक देर आर रियली गुड सिंगर्स ऑल्सो सम ऑफ देम आर लाइक रियली गुड जो मैंने सुना है बट अगेन उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको ये अच्छे गाने सुनाना नहीं है hmm. आपको एंटरटेन करना है अभी आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हो वो भी क्लासिकल इंडस्ट्री में और आपको बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कॉम्पीट करना है तो दिस इज़ नॉट फेयर कंपेरिजन ऑल्सो सो फॉर एन एस्पायरिंग क्लासिकल म्यूजिशियन ही कैन कॉम्पिश कॉम्पिटिशन तो मैं नहीं बोलूँगा पर उसका एस्पिरेशन स्टेडियम uh, का वो चक्का चौन वाला टेन थाउजेंड वाला ऑडियंस हो, हो ही नहीं सकता hmm. और, और, और अगर है then देन ही इज़ लाइक कम्प्लीटली इन द रॉन्ग डिरेक्शन की And again, it's a choice, right? So and you know it. Like, आप जब भी क्लासिकल म्यूजिक सीखने शुरू करते हो एंड इफ़ यू वॉन्ट टू परसू इट एज अ करियर आप करियर तभी करने का mm -hmm. सोचोगे जब भी आपने ठीक से मतलब सीखा है उसको mm -hmm. और इतना सीख लिया है कि आप सोच रहे हो इसमें करियर करना है तो यू आर वेल अवेयर कि दिस इज नो वेर क्लोज टू दैट कि तो अगर आर्टिस्ट हाँ. अगर दुखी हो रहा है क्लासिकल म्यूजिक आर्टिस्ट कि मुझे अरिजीत सिंह जैसा ऑडियंस नहीं मिल रहा है तो ही नीड्स टू री थिंक अबाउट यू नो की वाई ही इज डूइंग दिस हाँ ही कैन भी अनहैपी बिकॉज क्लासिकल म्यूजिशियंस बड़े बड़े हैं उतना ऑडियंस मुझे क्यों नहीं आ रहा हाँ, वो वो है अगर वजह ही कैन स्टिल फील दैट एंड ही कैन वर्क ऑन दैट सो देर आर बिग स्टॉल वर्ड क्लासिकल म्यूजिशियंस हु फेमस ठीक है उस साथिर हुसैन जी है रविशंकर जी hmm. है शिव कुमार शर्मा जी hmm. है एंड द पॉइंट इज कि ये लोग भी इतने फेमस है ना तो इनका भी स्टार्डम है बट ये स्टार्डम अलग है एज कंपेयर टू व्हाट यू विल सी फॉर सोनू निगम एंड अरिजीत एंड वो एक मैडनेस होती है लोगों में हाँ एक अलग ही yeah. है मतलब एंड दैट इज नॉट कंपैरेबल या इज नॉट कंपैरेबल तो ये अलग चीज हो जाते तो कितने साल सीखना पड़ता है क्लासिकल <laughs> म्यूजिक <laughs> अगर आपको एक प्रॉपर परफॉर्मर बनना है 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 बहुत डिफिकल्ट आंसर करना करना बट हमारे गुरुजी ने जो लोग है पूछते हैं कितने साल सीखना सीखना होता नहीं। और कब तो से शुरू शुरू चाहिए मेरे डॉक्टर पंडित रामदेश पांडे जी तो तो मैंने उनके पास सीखना तो किया था मैं अभी बाईस साल हो सीखने का एंड द थिंग इज़ कि कैसा है उन्होंने एक मुझे बताया था जनरली एक कि ऐसे तो नहीं होगा कि आप सीखना शुरू करोगे और मैं बोल रहा हूँ कि पाँच साल फॉर एग्जाम्पल तो उसके बाद यू विल बिकम लाइक अ फैबुलस परफॉर्मर बट टू बी रीजनेबली एबल टू परफॉर्म क्लासिकल म्यूजिक इन फ्रंट ऑफ फ्यू पीपल ठीक है ऑफिशियली यू नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट फाइव टू सिक्स ईयर्स ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यू विल बिकम अ वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट बट विच विल मेक यू एबल कि आप एक ख्याल तीस मिनट का या आधा पौने घंटे का ख्याल एक तीस चालीस लोगों के सामने परफॉर्म कर सको अपने आप से ठीक है एंड नाउ दिस विल डिपेंड कम ज़्यादा कि वो फाइव सिक्स ईयर्स में आप कितने क्या करोगे लाइक like आप सब छोड़ के बहुत डिटेल में रिगरसली अगर करोगे तो आपको तीन चार साल में भी हो सकता है मेरे पास इतने uh, सारे स्टूडेंट सीखते हैं और वो मुझे पूछते हैं कि कितने घंटे रियाज करना चाहिए इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और कब करना uh, चाहिए किस टाइम <laughs> हाँ. तो दोनों का आंसर है कि देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम फॉर दैट आई विल टेल यू बिकॉज़ उसका टाइम जरूरी ही नहीं है इन द सेंस मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब टाइम ऑफ द डे मॉर्निंग में इवनिंग में वो कब? तो डेफिनेटली सी अगेन हर चीज का एक आइडियल होता है हां एंड देन करंट आप क्या कर सकते हो दोनों मैं बोलूंगा कि हाँ सुबह चार से पाँच आपको खर्च का रियाज करना है हुँ. फिर आप आ, थोड़ा बाहर जाके आओ फिर वापस आप पलटो का रियाज करो हुँ. फिर दोपहर को थोड़ा खाने के पहले आप बंदिश लेके और गायकी का रियाज करो फिर खाने के बाद थोड़ा आराम करके ऐसा शाम करना से आई एम सेंग लाइक अगर अच्छा। आपको पॉसिबल है आपके पास टाइम है और इतना पेशेंस है और करने की इच्छा है और फुल टाइम आप म्यूजिक कर रहे हो तो दिस इज अ मिनिमम एक्सपेक्टेशन दैट आपको करना चाहिए बट प्रैक्टिकली इन टू डेज वर्ल्ड कोर्स देर आर लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस फुल टाइम और ये ऐसे कर रहे हैं आई नो फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स ऐसे कर, hmm. कर रहे हैं एक्चुअल में फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग समल्स वो बाकी सीख रहे हैं बिकॉज द पीपल दैर आई एम टॉकिंग अबाउट वो पूरा यही कर रहे हैं मतलब सीख भी यही रहे mm -hmm. तो इफ़ यू आर डूइंग आपको कॉलेज करना है आपको कोई बाकी एग्ज़ाम देना है कोई सी uh. ए कर रहा है mm. कोई आई आई एम कर रहा है mm. <laughs> <laughs> फिर uh, कोई जॉब कर रहा है फॉर एग्जाम्पल तो यू हैव वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ टाइम दैट यू कैन गिव टू दिस अगर आपको दिन में आधा घंटा भी मिलता है ठीक है mm. तो आधा घंटा इज़ अ लॉट ऑफ टाइम जैसे आई हैड रेड अ वेरी नाइस लाइन क्या आप बोलते हो एक मिनट mm. तो एक मिनट में क्या होता है तो एक अच्छा लाइन था कि इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वन मिनट टेक्स लॉन्ग यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग तो सडनली हाँ प्लान करो तो पता चलता है कि अरे एक मिनट बहुत लंबा होता है <laughs> तो वैसा है कि आप क्या कर रहे हो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आ, मैं आठ घंटा रियाज करता हूँ या आधा घंटा आधा घंटा इट्स वेरी लो बट जस्ट टू गिव यू अ वाइल्ड एग्जाम्पल कि आप आधा घंटा फॉर एग्जाम्पल कर रहे हो आधा घंटा भी बहुत होता है अगर आप मैं बोलूँ कि आपको सिर्फ पलटे करने हैं कि एक टिप, एक पर्टिकुलर राग लिया मैंने जैसे एक भैरव राग लिया और भैरव में पलटे करने हैं सारे आधा घंटा आप करके देखो बहुत होता है आधा घंटा सिर्फ पलटे करने के लिए हाँ, तो, में, में करना क्या है? Exactly, तो अलग अलग रियाज होते हैं इज नॉट लाइक कि यही करोगे तो ये होगा तो आप जब भी सीखते हो आपको पलटे भी करने हैं आपको नॉर्मल जो खर्च का रियाज है वो भी करना है आपको लॉन्ग नोट्स का जो रियाज होता है वो भी करना है तो अलग अलग तरीके के रियाज़ होते हैं आपको गायकी का भी तो रियाज करना है कि ये ताल में ठीक से आ रहा है कि नहीं, नहीं। आ, अभी मेरे घराने में आ, जो आपने बोला तो वो बोल बनाव होता है बहलावे होते हैं तो उसका अलग अलग रियाज होता है एक आपका एक ये होना चाहिए कि अभी मैं भैरव में अगर आधा घंटा से पलटे कर रहा हूँ तो एट दी एंड ऑफ लाइक ट्वेंटी फाइव मिनट्स के बाद लास्ट फाइव मिनट्स देखना है कि मैं कैसे भी करके भैरव में अभी गा सकता हूँ क्या बट इज़ इट पॉसिबल हाँ इट इज़ पॉसिबल ना देखो पलटे क्या है अरे आधा घंटा बहुत होता है आप पलटे <laughs> करके देखिए ऑफ कोर्स ज़्यादा भी करते हैं लोग hmm. क्योंकि सी पलटे आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल जो अलंकार जो करने हैं वो बट इट इज़ मोर लाइक अ वोकल जिम जैसा है ना yeah. कि अलग अलग तरीके से आपका गला घूमने का आप एक्सरसाइज कर रहे हो hmm. तो विच इज़ मेकिंग यू मोर एबल तो hmm. आप जब एक्चुअली भैरव गाने जाओगे तो आपका कैसा है कि आपके मन में एक थाट आएगा कि मैं घर से डायरेक्ट ध पे जाऊँ

पर थाट प्रोसेस मतलब क्या और वो संस्कार का बात है when it comes hmm. to classical music, क्योंकि आपको वो बहुत बार करना पड़ेगा जैसे जो गुरु ने आपको सिखाया सिखायास्ट डू इट फोर्टी फिफ्टी टाइम्स और फोर्टी फिफ्टी टाइम्स सुनने में कम लगता है बट hmm. एक बंदिश जैसे एरिया अगर मैं आपको बोलूँ ना कि बीस बार गाओ hmm. तो बाय द फिफ्थ टाइम स्टार्ट काउंटिंग उल्टा <laughs> कैर अभी और इक्कीस बाकी है और उन्नीस बाकी है भैया <laughs> बिकॉज yeah, आपको सुनने में पच्चीस लगता कम है बट ट्वेंटी फाइव इज ऑल्सो लॉट तो अगर yeah. आप इतनी बार गाओगे तो धीरे धीरे यू नो यू गेट एक्स्टम टू दैट पर्टिकुलर मेलेडी ऑल्सो बट इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत बार मैंने देखा है कि क्या होता है ना कि रियाज क्या करना है जो आपका पॉइंट था तो hmm. अलग अलग रियाज है बट क्या नहीं करना है क्या नहीं करना ये है? मैं डेफिनेटली बता सकता hmm. हूँ <laughs> बहुत बार ऐसा होता है कि यू कॉल फॉर ए कम्पनिस्ट घर पे क्या होता है कि वी वी वॉन्ट डिफरेंट पीपल कि uh, एक डिफरेंट कंपनीज घर पे आए हैं एक दो जन सुनने आए हैं कि हाँ। मैं घर पे बैठे हैं आज तो मैं रियाज के लिए बैठा हूँ सुनने आए हैं तो मेरे गुरु जी ने uh, डॉक्टर जी uh, डॉक्टर रामदेश पांडे जी ने एक बहुत अच्छा मुझे एक ही लाइन में समझा दिया था कि अगर आप रियाज करने बैठे हो ठीक है आपने एक घंटा रियाज किया और अगर एक्सीडेंटली कोई बैठा है और एक घंटे के बाद अगर उसने बोला कि आदित्य मजा आ गया आपका रियाज सुन के वाह वाह एक घंटा बहुत मजा आया तो समझ लो कि आपने रियाज किया नहीं अच्छा was... simple, <laughs> simple, uh, litmus test अच्छा। सिंपल सिंपल लिटमस टेस्ट है वो आदमी कंटा ला के उठ के बाहर जाना चाहिए आ, अगर आपने सही रियाज किया it, है बिकॉज हाँ। रियाज इज ऑल अबाउट एक्सपोजिंग योर वीकनेसेस एंड वर्किंग ऑन एंड वर्किंग ऑन देम ये नहीं आ रहा है ठीक है और एक बार गाओ अरे अभी भी नहीं आया वापस गाऊ पचास बार गा रहा हूँ तो ये कोई नहीं सुन सकता Hmm. कोई आदमी तो वो उठ के बाहर जाना ही चाहिए अगर hmm. आप सही से कर रहे हो तो एंड वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ परफॉर्मेंस इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द रियाज आपको सारे वीकनेस छुपाने हैं और hmm. जो आ रहा है वही करना है नाउ इफ यू आर कॉलिंग डिफरेंट पीपल ठीक है चार पांच लोग आ रहे लोग सुनने बैठ रहे हैं hmm. तो मैं मेरे एक्सपोज वीकनेसेस एक्सपोज कर ही नहीं पाऊंगा कभी hmm. तो ऑटोमेटिकली hmm. hmm. उनको खुश करने के लिए आप गा रहे हो hmm. तो ऐसे बहुत लोग हैं जो पाँच पाँच घंटा रियाज कर रहे हैं

इतना इजीली कि मैं क्लासिकल सो इफ यू एंजॉय डूइंग ऑल दीज थिंग्स तभी आप वो चीज़ एज अ करियर या प्रोफेशन परस्यू करना चाहिए और नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं है लाइक लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर लाइक गिविंग लाइक मोर देन हंड्रेड परसेंट टू दैट एंड दे आर फ्लरिशिंग दे आर ऑलरेडी फेमस आर्टिस्ट नाउ उनके रेगुलरली शोज भी हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं भी होगा बट आई एम जस्ट सेंग कि कैसा है कि साइज ऑफ द इंडस्ट्री इज डिफरेंट Hmm, hmm, hmm. तो आप अगर एक बॉलीवुड शो करके आपको जैसे ओवरनाइट सक्सेस आएगा hmm. उसका चांसेस विल बी लेसर एज कम्पेयर बट लोनलीफरेंट वे इट्स नॉट अबाउट लाइक आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है एज एन आर्टिस्ट इमोशनली लोनली की जर्नी कभी आती है टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वॉट हैपन्स इज इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स कैसे रहता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू गो यू आर एट जीरो यू आर स्टार्टिंग एंड यू टू गो टू फिफ्टी ठीक है शुरू शुरू में तो यू आर स्ट्रगलिंग तो वो एक अलग स्ट्रगल जर्नी होता है बट देन वेरी क्विकली यू अंडरस्टैंड की डूज एंड डोंट्स ठीक है एंड देन यू क्विकली गो फ्राम जीरो टू फाइव जीरो टू टेन नाओ द जर्नी स्टार्ट्स नाव यू वॉन्ट टू लर्न ऑल दो इंट्री कसी कि अरे गायकी क्या होता है ग्वालियर घराने का कैसे होता है mm. इसमें क्या होता है बोल बनाव क्या होता है बहलाव क्या होता है mm. फिर और क्या क्या करना चाहिए तान के अलग अलग कैसे रहते हैं सो ऑल दो थिंग्स डेट कम टुगेदर एंड विच टेक सफिशियंट अमाउंट ऑफ योर टाइम वो सीखने में mm. तो जो हमने बात की कि फाइव टू सिक्स ईयर्स आपको इन्वेस्ट करने वो सीखने के बाद यू रीच लेट से थर्टी ठीक है नाव अर्लीयर यू आर बैड ठीक है एंड बाय टेन वेन यू रीच टेन यू आर नाउ सिंगिंग राइट मतलब बराबर है पर अच्छा मजा नहीं आ आर इट इज नॉट गुड नहीं आ रहा हाँ आफ्टर वेन यू रीच थर्टी नाउ यू आर गुड ठीक है बट नॉट वेरी गुड एंड डेफिनेटली नॉट द बेस्ट ठीक है बट यू इन्वेस्टेड ऑल दीज यस टू बिकम अ गुड आर्टिस्ट ठीक है और अ गुड सिंगर नाउ योर जर्नी स्टार्ट बिकॉज टिल नाउ देर वेयर विजिबल एंड टेंजिबल माइल स्टोन्स की मुझे ये नहीं आ रहा है मुझे ये करना है तो ये आएगा ये करना है तो ये आएगा सो जीरो टू थर्टी वाला जर्नी वॉज वेरी विजिबल एंड समथिंग यू कैन प्लान इट वेरी इफेक्टिवली ठीक है नाउ द जर्नी कम्स वेयर यू आर ट्राइंग टू बी वेरी गुड ठीक है तो दैट थर्टी टू फोर्टी वाला जो जर्नी है ना उसमें बहुत टाइम जाता है Hmm. मतलब उसमें अलग टाइम जाता है टाइम एज इन उसका एक एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है यू कैन क्रॉस दैट इन अनदर दिन टू एंडर्स और इट कैन टेक लाइक फॉर एवरसो करेक्ट बट वो यहाँ पे नहीं होता है वो होता है मैं बताऊंगा वो भी तो वेन यू आर एट थर्टी अभी आपको पता नहीं है कि गुड तो है पर मतलब अच्छा है पर बहुत अच्छा नहीं वॉट इज मिसिंग हाँ तो हाँ. वो समझ में आने के लिए नाउ योर जर्नी एज एन आर्टिस्ट स्टार्ट देयर एट थर्टी नॉट एट टेन बिकॉज स्टिल टेन टू थर्टी आपका जर्नी तो, तो सिक्स तो सिक, अच्छा सिक हाँ, हाँ अच्छे से आप गा पा रहे हो उधर तक था थर्टी से आपका जर्नी अभी शुरू हुआ कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए अभी मुझे क्या करना हुँ. पड़ेगा बिकॉज स्टिल थर्टी यू आर एस गुड स्टूडेंट नाउ योर जर्नी स्टार्ट कि अभी मुझे थर्टी टू फोर्टी पहुँचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी उसके स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है तो आपको फिगर आउट करना है कि अभी मैं कैसे इससे बाहर निकलू बिकॉज जो चीज़ आप दस साल से कर रहे हो नाउ सडनली आई एम टेलिंग यू कि अभी इससे कुछ और करो hmm. बोलते हैं ना कि अरे तुमने जो गुरु जी जैसे ही गा रहे हो ठीक है अभी कुछ और करो देन देर इज डिस्कवरी करेक्ट सो देन इज डिस्कवरी एंड अगेन हर एक का सफर का टाइम अलग है सम माईट टेक टू एंड हाफ ईयर कोई और पांच साल लगेंगे hmm. किसको बीस साल उसी में अटके hmm. हुए वैसे हो सकता है एंड वो अपने आप को फिगर आउट करना पड़ता है कि अरे सब अच्छा तो आ रहा है पर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है मतलब hmm, hmm. अच्छा है बट कोई आपको टाइम देके सुनने को नहीं आएगा तब तक hmm, कोई ध्यान नहीं हाँ, आपके पर। तो आपको फोर्टी तक पहुंचना है यू बिकम वेरी गुड सिंगर ठीक है नाउ द एक्चुअल ट्रैप हैपेंस व्हेन व्हेन यू यू टच है एज में नहीं बता रहा हूँ जीरो टू फोर्टी नाउ यू आर अ वेरी गुड सिंगर पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू ठीक है बट देर यू आर वेरी गुड बट यू आर नॉट द बेस्ट नाउ यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम

अरे बाप ऐसा नहीं है बट आई वुड से आई एम बिटवीन फोर्टी टू फोर्टी या समवेयर नीर फोर्टी बिकॉज डेफिनेटली नॉट द बेस्ट यू नोट ट्राइंग टू बी वेरी गुड सो यहाँ से अभी शुरू क्या अभी यहाँ से जर्नी जो है ना फोर्टी टू फिफ्टी वाला वेर यू आर वेरी गुड यू आर नॉट द बेस्ट यू आर इन जर्नीम स्टार्टिंग दैट जर्नी एंड यहाँ पे इट इज ट्रूली इनविजिबल कि आपको पता ही नहीं है एंड दिस इज द लोनली पार्ट ऑफ म्यूजिक

कैब में जा रहे हैं टैक्सी में एंड देन कुछ सी परफॉर्मेंस से लौट रहे हैं तो गुरु जी आपसे पूछ रहे हैं कि शरद क्या हुआ आज क्या कुछ गड़बड़ हुई क्या तो वो तो रियाज नहीं चल रहा है क्या देन यू आर कि मैं रियाज छोड़ के कुछ करता ही नहीं हूँ <laughs> और फिर भी ऐसा हो रहा है करेक्ट तो ऐसा एंड मैंने भी पर्सनली ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस किया बचपन में भी और अभी भी करती हूँ कि मैं बहुत एफ़र्ट लगा रही हूँ किसी चीज़ में मतलब नंबर ऑफ आवर्स एफर्ट का मतलब इंटेंसिटी आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग डिस्कवरिंग थिंग्स तो दूर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये तो कितना मेहनत कर रही है दिन भर एक ही चीज़ में लगी हुई है बट जब उसका इम्पैक्ट या रिजल्ट दिखता है तो वो दिखता है इतना सा सो दैट दैट वॉज़ वेरी रिलेटेबल टू मी एंड ए शरत कॉज लाइक कि दिस इज डू मी लुक एट द गुरु जी लाइक कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ रियाज के अलावा फिर भी ऐसा हो रहा है एंड देन देर इज साइलेंट

रियाज में भी भीटली शॉर्टकट नहीं बोल रहा हूँ मैं स्मार्ट वर्क बोल रहा हूँ ठीक है आई विल एक्सप्लेन येस शॉर्टकट नहीं है स्मार्ट वर्क है नाउ हाउ आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो वन थिंग इज एक तो वो समझना है आपको कि जस्ट बिकॉज यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ठीक है एंड दैट्स वाई आई कीप आस्किंग ऑल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो द फर्स्ट क्लास फर्स्ट डे आई आस्क देन दिस क्वेश्चन कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ठीक है डू यू बिलीव इट ज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट क्योंकि प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट प्रैक्टिस विल ओनली मेक परमानेंट वॉट एवर यू प्रैक्टिस तो आपको अगर परफेक्ट बनना है तो यू नीड टू डू परफेक्ट प्रैक्टिस ठीक है इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि आपने दस घंटा स्पेंड किए करने से आप सक्सेसफुल नहीं होंगे ठीक है आपने दस घंटे में क्या किया hmm. तो दैट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ सक्सेस दैट यू आर गेटिंग यमन का प्रैक्टिस करने बैठा हूँ दैट योर प्रैक्टिस तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई भी इट शुडेंट बी मोर लाइक अ चेक लिस्ट कि मैंने ये किया मैं कितने बार स्टूडेंट्स को एक द आठ दस पलटे लिख के देता हूँ ठीक hmm. है और मैं उनको बोलता हूँ कि ये करके आना hmm. और मैं जब भी पूछता हूँ कि आपने किया क्या पूरा तो बोलते हैं हाँ सारे कर दिए hmm. रोज सारे कर दिए

तो एक दिल पर हाथ रख के अगर मुझे आप <laughs> मैं अगर स्टेटमेंट करूँ <laughs> ना तो 99 केसेस में ऐसा कभी होगा नहीं कि आपने जो सही करना चाहिए वो <laughs> किया और रिजल्ट नहीं आए टू वन टू सम एक्सटेंड गुरु जी कैनॉट टेल यू ईच एंड एवरी बिकॉज ही इज पहले जैसे गुरुकुल सिस्टम नहीं है दैट्स वाई गुरुकुल सिस्टम सुफिशेंट एंड इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्या है वो मार्जिन ऑफ एरर नहीं है <laughs> जैसे मैंने बोला परफेक्ट प्रैक्टिस होना चाहिए

कैसा होता है कि जैसे मैंने आपको एक तान सिखाया है ठीक है दिस इज अगेन वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट एंड यू नो फॉर ऑल द लर्नर्स कि हम कहते हैं कि एक तान है ठीक तो है तो बोलते हैं कि इसका प्रैक्टिस करो पचास बार ठीक है तो आपको आ जाएगा अब कभी नहीं आएगा <laughs> ठीक है और आया भी तो उसका पॉसिबलि आई आई लव डूइंग दैट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड पीपल तो नो बिकॉज ये ठीक क्योंकि आई टेल यू व्हाट अच्छा। मतलब ऐसे नहीं, sure. तो नहीं, 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 नहीं है मेरा कहने का मतलब है कि ट्राई करने से वो आएगा ऐसा जरूरी नहीं अच्छा। है हुँ. क्योंकि आपका लर्निंग कर अलग है ठीक है और क्या होता है मैंने स्टूडेंट्स देखे है जो अभी प्रैक्टिस करने बैठे हैं ठीक है अभी एक तान का फॉर एग्जाम्पल एक तान है जिसका मैं प्रैक्टिस करने में अभी नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो मैं अभी चालीस बार हो गया पचास बार हो गया मतलब स्ट्रगलिंग एंड फाइनली सिक्सटी टाइम्स करने के बाद मेरे को आ गया ठीक है सो दे आर लाइक इलेटेड कि आ गया भाई चलो अभी गोइंग टू द नेक्स्ट टारगेट दिस इज कम्पलीटली रॉन्ग बिकॉज सिक्सटी टाइम में आपका बराबर आया तो, तो आपने प्रैक्टिस किसका किया प्रैक्टिस किसका किया फिफ्टी नाइन टाइम्स आपने गलत गाया ना तो आपको साइंटिफिकली बोल रहा हूँ कि 68 टाइम जब भी सही आया तो जितना टाइम आपको रॉन्ग आने तो में, में लगा उस उससे ज्यादा टाइम आपको सही वाला गाना पड़ेगा आ, तो उसको 60th will be 1 now 60th will be 1 and hmm. from there your practice starts ये रिमेंबर करना hmm. बहुत जरूरी है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ म्यूजिक

क्योंकि आपको सही आने के बाद आ, उसको सौ बार हजार That बार दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट और मैंने hmm. बहुत बार देखा है कि वहां आके hmm. खुश होके रुक जाते हैं कि आज हो गया रियाज अरे hmm. नहीं अभी तो शुरू हुआ रियाज पंडित सुरेश जी ने भी एक बार बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट ये चीज कहा है इसके बारे में कि दिस इज अ परफॉर्मिंग आर्ट दिस इज नॉट अ फाइन आर्ट वेन यू आर पेंटिंग अच्छा आप आपके टाइम में पेंट करोगे ना आपको पेंटिंग बनाने में तीस घंटे लग रहे हैं कि चालीस घंटे लग रहे या पाँच मिनट में किया उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे आपको लोगों के सामने पेंट करना है और लोग पसंद नहीं।, नहीं।, नहीं आए पेंटिंग होते होते तो उठ के भी चले जाएंगे तो दिस इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट तो देर आर बेसिकली थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स तो फाइन आर्ट्स सॉरी तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या हो रहा है ये तो डूइंग वाला चीज़ है ना सिर्फ नोइंग का नहीं है जैसे मैंने अभी डेढ़ सौ राख सीखे हैं फॉर एग्जाम्पल अभी तक मुझे, आपने राग? हाँ सीख लिया है वैसे तो अच्छा। बट आप अगर मुझे अभी बोलोगे कि अरे शाम को कॉन्सर्ट है तो इनमें से 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 कौन से कौन आप गा पाओगे तो मे बी आई विल लिस्ट लाइक ऑफ तो मुझे मुझे पचास राग ही आते हैं क्योंकि वो डेढ़ सौ सीख के अगर मैं उसको गा नहीं पाऊंगा तो उसका फायदा क्या है क्या होता है अबाउट द मूवी ऑल्सो सो जनरली अवर इंडियन ऑडियंसेस आर यूज टू लुकिंग एट फिल्म फॉर ओनली थ्री थिंग्स इधर इट हैज टू बी अ स्टोरी वेरी बिजार अबाउट समथिंग विच फेल्ड मिजरेबली और समथिंग विच वॉज लाइक वेरी फैंटेसी की यू नो समथिंग गुड़ी गुड़ी कि बहुत ही अच्छा हो गया एंड देन यू नो रॉक स्टार बन गया और थर्डली वेयर ऐसा कुछ भी नहीं बताया बट देन देर इज़ अ मैसेज Yeah. What so what is the message? There is no message. So that's what I'm <laughs> okay. saying. So if you look at cinema in the international space, the international terms, may, this is another language of film, right. where you only show realism in its way, hmm. and then you just leave it open for interpretation hmm. for people. And that's how Chaitanya works. So hmm. even if you look at the code, hmm. the movie code. Hmm. सम लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट किसी ने बताया था कि दे वेर आस्किंग कि फिर उनका क्या हुआ फिर फाइनली वो केस का ऑलमोस्ट लुक लाइक अ डॉक्यूमेंट्री एंड लाइक इट्स दैट सो इट्स लाइक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट जॉब दे बिकॉज इट लुक सो रियल बट विच वॉज नॉट रियल इट वॉज अ फिक्शनल स्टोरी बट उसको इतना रियल वे में प्रेजेंट किया अबाउट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड हिज मीडिया जर्नी And, and leaving that character problems. into your life. You are <laughs> connecting with Correct. that. And why it is universal, I'll tell you. Because there are so many artists. Like, I can name few artists on my fingers. Tip of my fingers. Mm. Ki they uh, kia hai everything. But they couldn't achieve. And now, they have resorted to, uh, you know, being allied forms of art. Ki say for example, mm. uh, organization. An example. Like, uh, no, it's not fair to give examples like that. But uh, the point is, it's because and that's what brings me to that another point also uh key there have been cases you music uh as a career and they have become either organizers or they have set up their studios hmm. or they are doing something else related hmm. to hmm. this and or is make either success a success or story because again success is different for different people yeah if you look at the end of the story yeah correct yeah. so uh, there is another interpretation to mm. That end of the story, mm. which is a happy ending. Now people look at it as a sad ending. Mm. I also look at it as a happy ending. okay mm. See, if you look at the entire film, mm. that's the only last wala third part of the film. That's the only part when you see Sharad smiling. Achha, I... <laughs> so if you look at the film, ha. that's the only part when you see Sharad smiling. Which because part? now the end of the story. End end part me. Because but... now he has like he is has made peace with whatever. Mm. Like the shortcomings that he had, for example, he had peace made peace with all the other things mm. that he couldn't do. So, what happens is uh, that's the only point where you see him smiling. Mm. Now, he has made peace with all the shortcomings, all the things that mm. happened to okay. him, and now he's making good for himself, right? Ek organizer yeah. bana. He's still related, he's still doing something which is related to his gharana of music. You know, mm -hmm. he has a wife, he has a nice kid, mm. and he is enjoying with them, you know. Mm -hmm. So, another way, so. सक्सेस डजेंट नेसेसरीली मीन कि वो बहुत बड़ा फेमस आर्टिस्ट हुआ ओनली दैट विल मेक यू हैप्पी हैप्पीनेस एक अलग क्वेश्चन ही है सो ऑल द बिग सक्सेसफुल आर्टिस्ट का भी हैप्पीनेस क्वेश्चन नीड नॉट बी द सेम तो ऑफकोर्स इन सम पार्ट ऑफ हिज माइंड वो जब भी बंदा गाता है ट्रेन में तो ही इज रिमेंबरिंग दैट दैट इज नो will always oh, remain missing ho gaya ha missing in his uh, in his life hmm. but then also he looks it up, looks away of course this is one interpretation yeah. it is open for different interpretations but ye bhi ek usme ek angle hai ki but now he is satisfied with what hmm. he is doing and he is slowly becoming like his guru because he is just telling this little kid ki agar fusion karna hai to khayal ga ke chhodna padega ki kaise aana band kar do